जो राहुल गांधी जी आपके पास आते थे खटाखट खटाखट कहने के लिए, आज वे यहां से तो पहले मैदान छोड़ करके सपाचट हो चुके हैं। कुछ कहा था देश की जनता से, उन्होंने कहा था कि भाजपा संविधान समाप्त कर देगी। कितना झूठ बोला था कि भाजपा की फिर से सरकार बनेगी तो संविधान को ये लोग समाप्त कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। कितना झूठ बोला था। और उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव के बाद हम 1 लाख रुपए हर एक गरीब को देंगे। और खटाखट खटाखट योजना के माध्यम से इनसे बोलना चाहिए, कहां है वो खटाखट। कांग्रेस से थोड़ा पूछिए। और जो राहुल गांधी जी आपके पास आते थे खटाखट खटाखट कहने के लिए, आज वे यहां से तो पहले मैदान छोड़ करके सपाचट हो चुके हैं। वो आ ही नहीं रहे होंगे। बहन और भाइयों, समाज को बांटना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, ये कांग्रेस के डीएनए का पार्ट है, जिससे देश को कमजोर किया जा सके। देश कमजोर होगा तो सनातन समाज कमजोर होगा, सनातन समाज कमजोर होगा तो वर्तमान असुरक्षित होगा, आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब होगा। और इसीलिए कांग्रेस इस साजिश को हमेशा करने के लिए अपनी एड़ी चोटी लगाती है। और इसीलिए आज के दिन पर कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी ईमानदार व्यक्ति, कोई भी विकास की सोच का व्यक्ति, सुरक्षा के प्रति आग्रही कोई भी व्यक्ति आज कांग्रेस के साथ खड़ा होता हुआ नहीं दिखाई देता। कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये डीजे नहीं बजना चाहिए, और कुछ लोग कहते थे घंटा और संघ से कुछ लोगों को परेशानी होती है। मैंने कहा जिनको घंटा और संघ से परेशानी, वे अपने कान को बंद करें। कावड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, संघ भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, और धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी। और मुझे प्रसन्नता है 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु कावड़ यात्रा में प्रतिवर्ष गाजियाबाद से बाबा दुग्धेश्वर नाथ मंदिर से हरिद्वार तक जाता है, और हमारी सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा देती है, उनका पूरा सम्मान देती है। मैं स्वयं पुष्प वर्षा करने के लिए वहां उपस्थित रहता हूं। बहनों और भाइयों, क्या ये काम कांग्रेस कर पाएगी? क्या ये काम कांग्रेस करेगी? क्या ये काम इन लोग करेगी? क्या ये काम आम आदमी पार्टी कर पाएगी? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस कर पाती? क्या कश्मीर में धारा 370 एक कांग्रेस हटा पाती? एक तरफ आपकी विरासत के सम्मान का कार्य, और दूसरी तरफ विकास का कार्य, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे, मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसेज, ये तो आपको मिल ही रहे हैं। कहीं आईआईटी, कहीं आईएम, कहीं एम्स, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, कहीं स्पोर्ट्स कॉलेज, ये सभी भी तो डबल इंजन की सरकार ने दिए। और यह भी दिया है बैनर भाइयों, एक कांग्रेस तो केवल झूठे वायदे करती थी, खटाखट वाली थी ये सरकार, केवल खटाखट ही करती रही, क्योंकि इन्होंने देश को सपाचट किया था।